देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमावट शुरू कर दी है। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा भी अपनी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी बीच आलोक शर्मा ने आज पुराने शहर में भगवाधारी महिलाओं के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। दरअसल प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदना योजना को समर्पित बाइक भगवा ब्रिगेड रैली उत्तर विधानसभा के ऐतिहासिक गोपाल गेट से शुरू हुई, जिसमें दो पहिया वाहन पर 101 महिलाएं भगवा वस्त्र धारण कर सवार हुई। उससे पहले भोपाल सांसद प्रत्याशी आलोक शर्मा ने विधिवत हरी झंडी महिलाओं की भगवा ब्रिगेड बाइक रैली को रवाना किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतार कर महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया। एक ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है कि मोदी सरकार मेरा परिवार, मतलब तो वो भी है और आपने भी एक महिला शक्ति के साथ बड़ा आयोजन किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में बहुत बड़ा परिवार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की नारी शक्ति के लिए कई विकास के काम किए हैं। आज भोपाल के उत्तर विधानसभा की सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। नारी वंदन यात्रा के माध्यम से वे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, देश की सत्ता की बागडोर को संभालें, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में नारियों को कई मकान दिए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने नारी शक्ति की जो तकलीफें थीं, अब गैस चूल्हे वो चूल कच्चे चूल्हों के ऊपर रोटी बनाती थी, आज उज्ज्वला गैस हर घर के अंदर मिली है। तो नारी शक्ति वंदन यात्रा आज उत्तर विधानसभा की बहनें निकाल रही हैं, जिन्होंने कि गुब्बारे भी छोड़े हैं और वे यहाँ से स्कूटी के ऊपर निकलेंगी और देश के साथ भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगी और यही देश की जनता से, भोपाल की जनता से अपील करेंगी, एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी पुनः देश की सत्ता की बागडोर संभालें। इसलिए आज सब नारी यहाँ पे बहनें एकत्रित हुई हैं और सबने इस बात का संकल्प लिया है, अब की बार हर हर मोदी, हर हर मोदी। इस प्रकार से आगामी लोकसभा के लिए सभी बहनें आज सड़कों के ऊपर भी निकलेंगी और एक जनजागरण बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पुनः देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये नारी वंदन जो यात्रा निकाली जा रही है, मैं इसके अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।